तो सबसे पहले आप अपना यहाँ पर सिस्टम में क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे और यहाँ पर आपको एक यूज़र आईडी और पासवर्ड की ज़रूरत होती है। मैं यहाँ पर से लॉगिन कर लेता हूँ। आपके पास अगर आईडी और पासवर्ड नहीं है तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। मैं आपको उसके लिए आपको एक कॉन्टैक्ट डिटेल दूंगा, उससे आप कॉन्टैक्ट करके आप अपना आईडी और पासवर्ड ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं लॉगिन सेक्शन वाला पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर लॉगिन इस तरह से हो जाऊँगा और यहाँ पर आपको जितने पैन कूपन होगा उतने ही आप पैन कार्ड बना सकते हैं, साथ ही साथ में यहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर पैन कार्ड कूपन खरीदने के लिए मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, जिससे आप पैन कार्ड के कूपन इससे खरीद सकते हैं बिल्कुल ऑनलाइन, वो भी मात्र 101 रुपये में। यहाँ पर ओके करेंगे और इसके बाद मुझे यहाँ पर पैन कार्ड का यहाँ पर करेक्शन करना है, इसके लिए यहाँ पर CSF सर्विस पर आएंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको पेज इस तरह से ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको मैं पहले डिटेल बताना चाहूँगा कि आपको क्या क्या करना होगा। तो सबसे पहले तो आपको पैन का यहाँ पर CSF पैन फॉर्म भरना होगा। CSF पैन फॉर्म भरने के बाद इसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको जनरेट CSF कर देना है, बस यही इतना काम है, आपका पैन कार्ड सुधर जाएगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ से आपको बारी बारी से वन बाई वन स्टेप सिखा देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपको CSF पैन वाले सर्विस पर आना है, इस पर क्लिक करना है। आपको पेज न्यू इस तरह से ओपन होगा। तो न्यू पेज मेरा यहाँ पर इस तरह से ओपन हो गया है और ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको पैन नंबर आपको फिलअप करना है, जो आपका पैन नंबर है। इस पैन नंबर यहाँ पर फिलअप करेंगे, इसके बाद टैप करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर दोबारा से पैन नंबर फिलअप करना होगा। पैन नंबर फिलअप करने के बाद यहाँ पर सिलेक्ट वाले ऑप्शन में आना है यहाँ से। तो मैं यहाँ पर पैन नंबर फिलअप कर चुका हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको बोथ वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको पेज आगे का इस तरह से देखने को मिल रहा है। इसके बाद आपको आगे थोड़ा सा बढ़ना है और यहाँ पर आपको यहाँ पर फुल नेम लिखा गया है, जो आपका नाम पहले से है। यहाँ पर ध्यान देंगे, जो यहाँ पर नाम पहले से, यानी कि जो आपका अगर नाम अगर सुधार करना होगा तो यहाँ पर अपना सही वाला नाम इसमें टाइप करेंगे और यहाँ पर चेक बॉक्स जो यहाँ पर दिया गया इस पर क्लिक करेंगे। तो मुझे यहाँ पर इसमें नाम नहीं सुधार करना है, मुझे यहाँ पर फादर नेम सुधार करना है। तो यहाँ पर फादर नेम सुधार करना है तो यहाँ पर पहले आपको यहाँ पर पूरा डिटेल फिलअप करना ही पड़ेगा, जिस तरह से पहले से फिलअप किया हुआ रहता है तो उस तरह से आपको पैन को फिलअप करना होगा। तो यहाँ पर फिलअप कर चुका हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पर नाम आ चुका है। यहाँ पर वेरीफाई वाले जो यहाँ पर दिया गया है इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर पहले आप टाइटल चूज कर लेंगे, आपको टाइटल जो चूज करना है, जैसे यहाँ पर टाइटल चूज कर लेंगे। इसके बाद वेरीफाई ITD फुल डिटेल पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पर नाम शो कर जाए जो पहले से अवेलेबल होगा। इसके बाद मुझे यहाँ पर नीचे आना है और थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर मुझे पिताजी का नाम सुधार करना है, इसलिए यहाँ पर फादर्स नेम पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे। एक बात और ध्यान देंगे, यहाँ पर जिसको आपको सुधार करना हो उसी पर यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो मुझे यहाँ पर फादर नेम सुधार करना है, इसलिए जो आपका सही नाम रखना है वही नाम को यहाँ पर टाइप करना है आपको। तो चलिए मैं यहाँ पर टाइप करके शो कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि मैं यहाँ पर नाम इनका टाइप कर चुका हूँ, जो ये इनको सुधार करना है वही नाम यहाँ पर मैं टाइप किया हूँ और जो पहले से नाम है वहाँ पर यहाँ पर शो करेगा। जैसे ही यहाँ पर वेरीफाई ITD फादर नेम डिटेल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डिटेल शो कर जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लास्ट नेम, तो इसलिए यहाँ पर मैं टाइप करूँगा जो सही वाला था उसमें आपको टाइप कर लेना है और जो आपको पहले से अवेलेबल होगा वहाँ पर पिक ITD और फादर पर क्लिक करेंगे तो आपको नीचे शो कर जाएगा जो पहले से अवेलेबल होगा और जिस पर आपको सुधार करना है उसी पर यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करना होगा, यानी कि सभी पर। इसके बाद आप नीचे की ओर बढ़ेंगे, यहाँ पर मदर नेम यहाँ पर डिटेल को फिलअप नहीं करना है, यहाँ पर ऑप्शनल है, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शनल है, आप फिल कर भी सकते हैं नहीं तो छोड़ सकते हैं, आपको बेहतर है कि आप यहाँ पर छोड़ देंगे, कोई डिटेल फिलअप करने की जरूरत। इसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखा गया, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को आप फिलअप कर लेना है। इसके बाद आपको नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद जैसे ही डेट ऑफ बर्थ फिलअप करेंगे तो यहाँ पर आपको पूरी तरह से यहाँ पर डिटेल शो होगा। इसके बाद यहाँ पर जो जेंडर है, यहाँ पर मेल पहले से, यहाँ पर जो वेरीफाई पर क्लिक करेंगे यहाँ पर पहले से, यहाँ पर पहले यहाँ पर जैसे वेरीफाई पर क्लिक किया हमें तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फॉर्मेट फिलअप करने के लिए बोला जा रहा है। तो पहले यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर चुका हूँ। यहाँ पर वेरीफाई ITD जेंडर डिटेल पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर शो कर गया। इसके बाद यहाँ पर फोटो मिसमैच और यहाँ पर सिग्नेचर मिसमैच यहाँ पर लिखा गया है। अगर आप फोटो भी अगर चेंज करना चाहते हैं यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं, एक ही बार में आप कई चेंज भी कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन जिसका आप चेंज करेंगे उसको आपको प्रूफ देना होगा। तो मुझे यहाँ पर केवल फादर नेम इसमें सुधार करना है, इसलिए यहाँ पर मैं फादर नेम में यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक किया है, बाकी यहाँ पर छोड़ दिया हूँ एड्रेस को। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको लिखा है एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, अगर एड्रेस भी चेंज करना चाहते हैं यहाँ पर टिक आउट पर क्लिक करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर रेसिडेंस चूज करना है। इसके बाद यहाँ पर फ्लैट या ब्लॉक नंबर यहाँ पर टाइप करेंगे। तो यहाँ पर आप, तो यहाँ पर मैं टाइप कर चुका हूँ, इस तरह से आप टाइप करेंगे और इसके बाद यहाँ पर हाउस या बिल्डिंग नेम या घर का नाम, यानी कि जो एड्रेस होगा यानी विलेज का नाम यहाँ पर टाइप करेंगे।
इसके बाद यहाँ पर सेकेंड वाले में पोस्ट ऑफिस, इसके बाद यहाँ पर आएंगे और इस वाले बॉक्स में यहाँ पर डिवीज़न यानी कि जो थाना का नाम भी लिख सकते हैं इसमें। इसके बाद यहाँ पर टाउन या डिस्ट्रिक्ट या सिटी का नाम, यहाँ पर या डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर बिहार में होंगे तो आप बिहार से करेंगे, आप जिस भी स्टेट से होंगे उस स्टेट का यहाँ पर चुनाव कर लेंगे आप, और उसी अनुसार से अपना यहाँ पर एड्रेस लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर पिन कोड है, यहाँ पर पिन कोड टाइप कर लेना इस तरह से, मैं टाइप कर चुका हूँ। इसके बाद आपको नीचे आना है थोड़ा सा, और नीचे आने के बाद आपको इधर आपको कुछ भी नहीं करना है, और आपको यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर आपको पहले मोबाइल नंबर डाल लेना है, मोबाइल नंबर डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी यहाँ पर फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो आधार है तो यहाँ पर आधार का डिटेल यहाँ पर फिलअप करना है यानी कि आधार नंबर। इसके बाद जो आधार कार्ड पर नाम है आपका वो यहाँ पर पूरा नाम टाइप कर देना है। इसके बाद यहाँ पर 11 नंबर में आपको कुछ नहीं करना है, इसको छोड़ देना है आपको। और उसके बाद यहाँ पर जैसे यहाँ पर डिटेल अपना पूरा लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पर वेरीफाई कर क्लिक करेंगे 12 नंबर में, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक नाम आ जाएगा। इसके बाद हिम सेल्फ या हर सेल्फ इसे रहने देंगे उसी तरीका से। इसके बाद आपको यहाँ पर प्लेस का नाम यहाँ पर डाल लेना है, जैसे आप जहाँ से अप्लाई कर रहे होंगे उस जगह का यहाँ पर नाम लिखेंगे। और यहाँ पर उससे पहले आप यहाँ पर 12 नंबर के नीचे यानी कि जस्ट आई वी हैव लिखा हुआ है सिलेक्ट, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। आप इस सुधार के लिए आप कितने डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ एक यहाँ पर आधार कार्ड और साथ ही साथ मैं यहाँ पर पैन का कॉपी, तो यहाँ पर दो टाइप कर लूँगा। इसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको दिखना है आइडेंटिटी प्रूफ यहाँ पर है, इसके बाद फादर नेम प्रूफ, इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर आपको जो सुधार करना है उसको यहाँ पर चेक बॉक्स पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर यानी कि यहाँ जो जो भी डिटेल दिया गया है उसका आईडी प्रूफ में आप क्या दे रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पर आधार दे रहा हूँ तो यहाँ पर आधार सेलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपने पहले आधार का डिटेल वहाँ पर पूरा नहीं फिलअप किया, इसलिए यहाँ पर डिटेल इस तरह से आ रहा है। मैं यहाँ पर पहले फिलअप कर लेता हूँ पूरा, इसके बाद आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करके शो कर देता हूँ। तो मैं अभी तक सारा डिटेल यहाँ पर फिलअप कर चुका हूँ, और फिलअप करने के बाद आप मैं यहाँ पर फिर से आ गया हूँ आइडेंटिटी प्रूफ पर, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, जिसमें आधार सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर कोई डिटेल नहीं लिख रहा है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं लिख रहा है जो पहले यहाँ पर लिख रहा था। जो आप डिटेल पूरी तरह से उधर से फिल करते आएंगे, इसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे। चलिए मैं यहाँ पर फादर नेम यहाँ पर डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपको डॉक्यूमेंट इनमें से कोई एक देना होगा, जैसे यहाँ पर मैट्रिकुलेशन का यहाँ पर सर्टिफिकेट मैं दे रहा हूँ इनके लिए। और इसके बाद आपको नीचे आना एड्रेस प्रूफ, तो एड्रेस प्रूफ में यहाँ पर आप आधार दे देंगे, जैसे आपको यहाँ पर आधार सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ में प्रूफ आप क्या दे रहे हैं, तो यहाँ पर भी मैं आधार कार्ड दे देता हूँ। आप यहाँ पर जो भी आपका डिटेल होगा आप अपने अनुसार चूज कर सकते हैं इनमें से। इसके बाद यहाँ पर पैन का यहाँ पर कॉपी दे रहा हूँ, पैन कार्ड का फोटो कॉपी, तो यहाँ पर पैन ऑफ कॉपी कार्ड लिखेंगे। इसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर लास्ट का सबमिट कर लेना है। तो सबमिट करने से पहले आप पूरी तरह से डिटेल को यहाँ से आप मिला लेंगे शुरू से लास्ट तक, इसके बाद यहाँ पर सबमिट करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ से सबमिट कर लेता हूँ। यहाँ पर लिखा है इंटर टेलीफोन नंबर, यहाँ पर मोबाइल नंबर मैं नहीं टाइप किया हूँ, यहाँ पर मोबाइल नंबर फिलअप करना है मुझे। तो चलिए मैं यहाँ से सबमिट कर लेता हूँ। तो सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको पेज कुछ इस तरह से यहाँ पर ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आपको रिसीविंग प्राप्त हो जाएगा, इसे आपको प्रिंट कर लेना है यहाँ से। आप प्रिंट सेक्शन पर आकर यहाँ से आपको प्रिंट करके सेव करके आपको रख यहाँ लेना पर है। आपको फिर से यहाँ पर CSF सर्विस पर आना है, और यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये वाला जो अपलोड डॉक्यूमेंट इस पर आएंगे, आपको डॉक्यूमेंट अपलोड में ये वाला जो भी आप करेक्शन हुए किए थे वो यहाँ पर शो कर जाएगा। यहाँ से आपको क्या करना है, कॉपी नंबर कर लेना है यहाँ पैन नंबर जो एप्लीकेशन नंबर है, इस तरह से कंट्रोल के सी के साथ दबाकर कॉपी कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर CSF सर्विस पर आएंगे फिर से यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद आपको सबसे नीचे आ जाना है। यहाँ पर सबसे नीचे आने के बाद जस्ट सबसे नीचे के ऊपर यहाँ पर जेनरेट CSF पैन एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर मांगा जाएगा जो आपको कॉपी करवाया था, यहाँ पर पेस्ट करेंगे कंट्रोल भी के साथ। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको पेज ये ओपन होगा, इसको आपको क्या करना है कि प्रिंट करके रख लेना है यहाँ से। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप प्रिंट करके इसको सेव कर लेंगे, ताकि आपको पैन का जो फॉर्म है ऑफलाइन वाला वो आपको भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपको यहाँ पर भरा हुआ पहले से ही डॉक्यूमेंट मिलेगा और यहाँ पर आपको सेव कर लेना है। और यहाँ पर क्या करना है कि आपको एक फ़ोटो लगा लेना है और यहाँ पर सिग्नेचर, इसके बाद यहाँ पर फोटो भी, यहाँ भी और यहाँ पर एक सिग्नेचर देना होगा। इसके बाद आपको नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको डेट लिखना है, इसके बाद यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर लेना है। यही डिटेल आपको लिख कर यहाँ आपको पैन फॉर्म में यहाँ पर आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे यहाँ पर आकर, और यहाँ पर आपको मैंने बताया था सेकेंड में यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए, जैसे यहाँ पर पहले बताया था CSF पैन फॉर्म भरने के लिए, इसके बाद यहाँ पर सेकेंड में था डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। यहाँ पर मैं इसलिए बताया अभी यहाँ पर जेनरेट CSF पैन एप्लीकेशन के लिए, क्योंकि जो आप एक पैन फॉर्म ऑफलाइन भरते हैं खुद से पेन से,
तो इसको आपको भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको भरा हुआ यहाँ से मिल जाएगा। तो इसको केवल प्रिंट करके आपको साइन कर लेना, फोटो साइन करके आपको यहाँ पर स्कैन करके यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड वाले सेक्शन में आके और यहाँ पर आपको अपलोड करना है। तो अपलोड करने के यहाँ पर क्लिक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पैन फॉर्म जो भी मैंने आपको डाउनलोड करके दिखाया उसको मैं फ़ोटो लगाकर और सिग्नेचर करके यहाँ पर आपको अपलोड करना है। साथ ही साथ वहाँ पर आधार कार्ड लगाएंगे और जो जो डॉक्यूमेंट वहाँ पर चूज़ किए हैं, जैसे मैट्रिकुलेशन का मैं चूज़ किया हूँ और यहाँ पर पैन कार्ड का फोटो कॉपी और आधार कार्ड आपको यहाँ पर लगाकर यहाँ पर एक ही में डॉक्यूमेंट बनाकर आपको अपलोड करना है। इसके बाद यहाँ पर फोटो डाल लेना है, इसके बाद सिग्नेचर डाल लेना है। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा या तो आपका स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, उस वाले वीडियो को देखकर आप पूरी तरह से डॉक्यूमेंट को बनाना सीख सकते हैं। तो आप पहले उस वाले वीडियो को देख लीजिएगा, इसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट बनाइएगा, इसके बाद यहाँ पर अपलोड कीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको अपलोड करके शो कर देता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको पैन फॉर्म यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर जो मैं पैन फॉर्म यहाँ पर बना रखा है यहाँ पर जो मैं यहाँ पर मैं आपको शो कर देता हूँ आपको किस तरह से बनाना है। यहाँ पर ओपन पर क्लिक करूँगा, मैं आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ। इस तरह से आपको पैन फॉर्म को कंप्लीट कर लेना है। आपको यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर पहले देख लेंगे, यहाँ पर सिग्नेचर मोहर इस तरह से करना है, सिग्नेचर करना है आपको इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर इस तरह से सिग्नेचर, इसके बाद यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट इस तरह से आपको अटैच कर लेना है, सभी को यहाँ पर अटैच कर लेना है इस तरह से। यानी कि सभी को अटैच करने के बाद आपको यहाँ पर इसको PDF फाइल को यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पर मैं ले लिया हूँ PDF फाइल को, इसके बाद पिक्चर यानी फ़ोटो को ले लूँगा, यहाँ से फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए फ़ोटो सेलेक्ट कर चुका, इसके बाद सिग्नेचर को सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका सिग्नेचर है आप अपने अनुसार सिग्नेचर को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। सिग्नेचर को साइज़ बनाने के बाद, उस वीडियो को देखने के बाद आपको सिग्नेचर साइज़ बनाने में कोई समस्या नहीं आएगा। इसके बाद यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे अपलोड पर क्लिक करें आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर सेव हो जाएगा। यहाँ पर आपको देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर ओके, इसके बाद आपको लास्ट प्रोसेस आपको करना है। यहाँ पर जैसे कि आपको पहला प्रोसेस कर चुके CSF पैन, इसके बाद दूसरा कर दिए अपलोड डॉक्यूमेंट, इसके बाद आपको लास्ट करना है जनरेट CSF बैच। इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको ऑल क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन होगा यहाँ पर सबमिट का, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका पैन रेडी हो चुका है। यहाँ पर करेक्शन होकर आपको 2 से 3 दिन के अंदर आप पैन को ट्रैक कर लेंगे। ट्रैक करने का मैं एक स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये वाला वीडियो देखकर आप अपने खुद से पैन को ट्रैक कर सकते हैं कि आपका बना है अथवा नहीं। साथ ही साथ में आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड का भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे और वहाँ पर सभी का वीडियो बनाया हुआ है, तो आप खुद से यहाँ पर सभी डिटेल कर सकते हैं। तो वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।